नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजूम और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। आज पांच की आंच में बात होगी एमपी में स्कूली छात्रों को मिली बड़ी राहत। प्रदेश में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के छात्रों के एडमिशन के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। बात जुन्नारदेव को नया जिला बनाने की कवायद की भी करेंगे। छिंदवाड़ा जिले से अलग कर एक और नया जिला बनाने की तैयारी है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। बात एमपी और छत्तीसगढ़ में बारिश के आपातकाल की भी करेंगे। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं, बताएंगे कैसे बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। बात कांग्रेस के मेगा प्लान की भी होगी, बताएंगे क्यों कांग्रेस ने 100 रुपए पार्टी फंड में जमा करने की अपील की है। और बात प्रशासन के बुलडोजर एक्शन की भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। नीट यूजी के संशोधित नतीजे जारी कर दिए गए हैं। एनटीए ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं नतीजे। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इसके लिए निर्देश दिए थे, तो ये बड़ी खबर है। नीट यूजी के संशोधित नतीजे जारी कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर एनटीए ने नतीजे अपलोड किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये वेबसाइट पर अब पब्लिक कर दिए गए हैं नतीजे। और न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मामला कोर्ट में था नीट यूजी का भी, और अब ये नतीजे भी वेबसाइट पर आ गए हैं। जी देखिए, तौर पर ने जो निर्देश दिया था और ये कहा था कि तमाम स्कोर है उनको रिवाइज किया जाए, क्योंकि दो प्रश्न पत्र आया तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी पुराना जो फिलहाल प्रश्न पत्र होगा उसी के जवाब को सही माना जाएगा। तो निश्चित रूप से जो ये स्कोर अब एनटीए के द्वारा फिलहाल घोषित किया गया है, इससे कहीं ना कहीं जो तमाम क्रेडिट बच्चों का अंक में बढ़ा है उसको असर देखने पर निश्चित रूप से बढ़ेगा, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसी दिशा में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आप दो प्रश्नों को लेकर इसको सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले करें। तो ऐसे में अब इस फैसले के बाद अब जो स्कोर जारी किया गया है इससे जो मेरिट है टॉप 100 छात्रों का वो बदल नजर आएगा, और ऐसे में वो भी छात्र अब सामने आएंगे जिनका स्कोर कम था 4 नंबर, क्योंकि ये 4 नंबर अगर जोड़ा जाएगा और जिनको गलत पर 4 नंबर पहले दिया गया था उसको कम कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से नई जो मेरिट अब बनेगी उसमें इस असर को देखा जाएगा। आपका सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो एनटीए ने वेबसाइट पर अब नतीजे अपलोड किए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए निर्देश दे दिए थे। नीट यूजी एग्जाम के नतीजे हैं ये। और अब बड़ी खबर का रुख करें इंदौर से, जहां बीजेपी पार्षद के घर पहुंची महिला कार्यकर्ता। चूड़ी देने पहुंची है महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता। दुष्कर्म का आरोपी है बीजेपी पार्षद शानू शर्मा। पार्षद की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन यहां पर किया गया, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। और पार्षद पर दरअसल दुष्कर्म का आरोप लगा है, और इसी के बाद ये प्रदर्शन आज कांग्रेसी महिलाओं के जरिए हो रहा है। चूड़ी देने पहुंची है कांग्रेस कार्यकर्ता, क्योंकि बीजेपी से जुड़े शानू शर्मा क्योंकि पार्षद हैं और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं दुष्कर्म के, और इसके बाद कांग्रेसी महिलाओं ने, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया है। चूड़ी लेकर पहुंची हैं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता। मिथिलेश गुप्ता न्यूज 18 संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा लेकिन ये सियासत का मसला भी बन गया, कांग्रेस को एक मौका भी मिल गया यहां। जी बिल्कुल, कांग्रेस को एक मौका मिल गया है क्योंकि बीजेपी पार्षद है शानू शर्मा और जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और आज मजिस्ट्रेट के सामने जो पीड़ित युवती है उनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं, यानी अब जो पार्षद की गिरफ्तारी है वो लगभग तय है, क्योंकि आज मजिस्ट्रेट के सामने युवती ने जो कुछ उनके साथ हुआ, पैसे के नाम पर जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ, सारी बात उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दे दी है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब पुलिस गिरफ्तारी की बात कह रही है कि बहुत जल्द जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो जाएगा, और गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस के आज अलग अलग प्रदर्शन इंदौर में देखने को मिल रहे हैं। सुबह पहले पुतला
पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के साथ ये मांग की गई कि जो पार्षद है उसको परिषद से, जो नगर परिषद है नगर निगम की, उससे बाहर निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ अभी कुछ देर बाद ही नगर निगम के जो नेता प्रतिपक्ष है चिंटू चौक से आज उनकी एक प्रेस वार्ता है नगर निगम के अंदर आज, और ये इसी मसले पर वो महापौर को घेरेंगे। तो तीसरा एक सामने मामला आया जब चूड़ियां लेकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता जो पार्षद उसके घर पे पहुंची चूड़ी भेंट देने के लिए, और वहां पर जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया और पुलिस से मांग है कि जल्द से जल्द दुष्कर्म का जो आरोपी है पार्षद सानू शर्मा उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस पर सियासत शुरू हो चुकी है और सानू शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पीड़ित जो महिला है आज मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश, धन्यवाद। तो कांग्रेस महिला कार्यकर्ता चूड़ी लेकर पार्षद को देने पहुंची हैं और दूसरी तरफ पुलिस भी इस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है। दरअसल बीजेपी पार्षद शानू शर्मा पर एक महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। वहीं एमपी में स्कूल के बच्चों के एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और अब अभिभावकों को अपने बच्चों के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश में नर्सरी, केजी 1, केजी 2 और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तय हुई आयु सीमा में छूट बढ़ा दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत अब बच्चों के लिए आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 की जगह 31 जुलाई कर दी गई है। पहली क्लास में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना 30 सितम्बर से होगी। पहले ये कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2024 के मुताबिक होना था और नए आदेश के अंतर्गत अब 30 सितंबर तक की जन्म तिथि वाले बच्चे भी पहली कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। इस फैसले से पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये बड़ी राहत है न केवल छात्रों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए। एडमिशन के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। नर्सरी, केजी 1, केजी 2 और पहली क्लास के बच्चों के लिए ये छूट दी गई है। नर्सरी, केजी 1, केजी 2 के लिए 31 जुलाई आयु सीमा, पहले आयु सीमा 31 जुलाई कर दी गई है और पहली क्लास के लिए 30 सितंबर से गणना की जाएगी, जबकि पहले 1 अप्रैल 2024 थी आयु गणना। और एमपी में एक और नया जिला बनेगा। जहां छिंदवाड़ा जिले से अलग कर एक नया जिला बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर से जुन्नार देव को जिला बनाने का प्रस्ताव मांगा है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले छिंदवाड़ा से अलग कर पांडुर्णा को जिला बनाया जा चुका है। छिंदवाड़ा लोकसभा में शामिल 7 विधानसभा क्षेत्र पहले एक ही जिले में आते थे और अब पांडुर्णा के बाद अगर जुन्नारदेव जिला बना तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट 3 जिलों में बढ़ जाएगी। जो पहले वादा हुआ था कि कमल शाह जी को मंत्री बनाएंगे वो तो अभी पूरा हो नहीं पा रहा है और जो नागर जी का मंत्रालय छीना गया है उससे उठा पटक भारतीय जनता पार्टी वैसी चल रही है और मैं नहीं समझता कि ये इनको और बड़ी मुश्किल से बाय हुक और कुक अमरवाड़ा की सीट ये जीत के आए हैं। तो कुल मिला के छिंदवाड़ा की जनता का कमलनाथ जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति झुकाव है ये अमरवाड़ा ने सिद्ध कर दिया है। तो जिले बनाने से चाहे वो हर तहसील को जिला बना दे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं जो अपने राजनीतिक कार्यालय को कभी खोलते नहीं और बंद हमेशा मिलता है। आज जब छोटे जिले बनकर लोगों को सहूलियत देने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही, जो लंबे समय से लंबित थी, जनता की चुनी हुई सरकार जनता के हित में कई बार निर्णय लेती है और इसी तारतम्य में हम जिले बनाकर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। तहसील केंद्र पास होगा उनका, जिला मुख्यालय पास होगा तो लोगों को सुविधा होगी, लेकिन इस सुविधा को देख कांग्रेस आखिर क्यों विचलित हो रही है? आप भी तो करिए कुछ जनहित के काम। आपको हर जनहित के कार्य में बाधा डालनी है, विरोध करना है। जनता देख रही है 29 की 29 लोकसभा चुनाव में आपको जवाब दे चुकी है और विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की मूकी खाई। आज भी यदि जनता के हितों को आप नकारेंगे तो आपका यही हश्र होना है।
छिंदवाड़ा से राजेश करमले हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश, एक तरफ जुन्नार देव को अलग जिला बनाने की कवायद और अब उस पर पूरा सियासी पलटवार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि इससे होने वाला कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये जो जिला बनाने की जैसे ही खबर सामने आई, प्रतिवेदन मांगा गया और लेटर जिस तरीके से सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया में, उसके बाद सियासी जो है वो सरगर्मियां तेज हो गई है। यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक है जुन्नार देव इलाके से आते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर एक प्रश्न लगाया था कि क्या इसको जिला बनाया जाएगा। इस प्रश्न के जवाब में उन्हें ये बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई घोषणा करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जब लेटर सामने आया तो वो भी अवाक थे, उनसे हमारी आज बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जब विधानसभा के सवाल पर ये जवाब आया है तो ये अचानक से कैसे हो गया, उनके समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस जरूर ये बोल रही है कि इसको अगर अलग तरीके से जिला बना दिया जाएगा तो छिंदवाड़ा कट जाएगा, क्योंकि सौंसर पांडुर्णा पहले ही अलग हो चुका है, राजस्व जो है वो बड़ी संख्या में बड़ी उसमें उधर जा चुका है, रेत की बड़ी खदानें हैं, संतरा और कपास की जो फसलें हैं वो उधर जा चुकी हैं। अब जो छिंदवाड़ा का एरिया है, खासतौर पर कोल माइंस एरिया कहलाता है, वो भी कट जाएगा। आपको बता दूं कि तकरीबन 5 लाख की आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर कोल बेल्ट जो है, कोल माइंस का इलाका है, यहाँ पर काफी कोयला खदानें बंद हो चुकी है, आदिवासी इलाका है, रोजगार के साधन कम है। कोयला खदानें जैसी जैसी बंद होती चली गई, यहाँ पर मजदूर पलायन कर गए, जो काम करने वाले थे वो पलायन कर गए। अभी चंद कोयला खदानें हैं जिसके भरोसे ये पूरा इलाका चल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ये भी समझाइएगा कि अगर जुन्नार देव नया जिला बनता तो उसके सियासी पहलू क्या होंगे, किस किस के सियासी हित सदर हैं, दूसरा क्या विकास के मोर्चे पर फायदा नहीं होगा जुन्नार देव को? बिल्कुल, देखिए अभी जो वर्तमान में वहां पर कोयला खदाने हैं, भाजपा जैसे ही सरकार में आई तो लगातार ये वादे किए जाने लगे, दावे किए जाने लगे कि अब वहां की जो बंद कोयला खदाने वो खोल दी जाएंगी। अगर वहां कोयला खदाने खुलती हैं तो निश्चित तौर पे इसका लाभ भाजपा को होगा। वहां पर कांग्रेस काबिज रही है, आदिवासी नेता जो है वहां पे सुनील उइके जो विधायक रहे हैं वो लंबे समय से वहां काबिज, उनका कहना है कि वो भी सर्वाइव करेंगे। इसके अलावा भाजपा भी वहां पर आदिवासी नेताओं को खड़ा कर चुकी है, पिछले चुनाव में ये देखने को मिला है। तो इस तरीके से दोनों पार्टियां लगातार कवायद करती नजर आएंगी वहां पर। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम ने एक बार फिर मिजाज क्या बदला, एमपी के कई शहर और गांव की तस्वीर ही बदल गई। कहीं नदी समुद्र का रूप ले चुकी है तो कहीं नाले उफान पर आ गए। ट्रैक्टर भी नदी में फंस गया, जलप्रपात जलजला बनने लगा है। तो कहीं इतनी बारिश हुई कि रपटा ओवरफ्लो होने लगा है, बारिश की वजह से दफ्तरों में पानी घुस गया। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो सब पानी पानी हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी जो एमपी के शहरों और गांव का हाल बयां कर रही हैं। मुरैना की तस्वीर भी देखिए आप, क्वारी नदी उफान पर है, तेज बहाव के साथ रपटे पर पानी बह रहा है। दमोह में चौकी भर का वाटरफॉल का आकर्षक नजारा अब देखिए किस तरह से यहां पर सैलाब की तरह दिख रहा है। तो छतरपुर में भी हालात ऐसे ही हैं कि बाढ़ में 5 लोग फंस गए, रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम का सहारा लेना पड़ा। वहीं मुरैना से एक और तस्वीर आई जहां रपटे के ऊपर इतना पानी आ गया कि लोग जान जोखिम में डालकर इसे नदी को पार कर रहे हैं। पन्ना की बात भी कर लेते हैं, पन्ना में भी बारिश से हाहाकार मचा है तो हरदा में भी भरपूर बारिश हुई है। बारिश का दौर, सैलाब हर ओर, मेघ का प्रहार, बारिश का आपातकाल। देश भर में बारिश का प्रहार जारी है। इस दौरान कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बालोद की इन तस्वीरों को देखिए, नाला उफान पर है, पानी का बहाव इतना तेज है कि कदम टिकाना मुश्किल है। लेकिन इस बीच मवेशियों का ये झुंड नाला पार कर रहा है, लेकिन ये आसान नहीं। पानी की तेज धार इन मवेशियों को भी बहा ले जाने के लिए बेताब है। और देखिए, एक एक कर मवेशी बाढ़ के पानी में बहने लगते हैं। मवेशी पानी में उतरते हैं लेकिन इनमें से कई नाला पार नहीं कर पाते। पानी का बहाव इन्हें बहा ले जाता है। नाले में 12 से ज्यादा मवेशी बह गए, हालांकि सभी मवेशी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अब जरा ओरछा की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ 5 युवक नदी में फंस गए। ये युवक जामनी नदी में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन इस दौरान नदी का जल स्तर बढ़ गया
और ये युवक नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। इन युवकों की किस्मत अच्छी थी कि रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और घंटों की मशक्कत के बाद युवकों का रेस्क्यू हुआ। इधर छतरपुर में भी धसान नदी में आई बाढ़ में 5 लोग फंस गए। इनके रेस्क्यू के लिए भी टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद बोट के सहारे इन्हें नदी से बाहर निकाला गया। बता दें कि नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। बांध के 12 गेट खुलने से नदी उफान पर है। धसान नदी का पुल डूब गया है, वहीं पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। ये पुल टीकमगढ़ को भी जोड़ता है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। बात अब दमोह की करेंगे। यहाँ बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चे मडियादों के बमनी नाला पार करते नजर आए। मुरैना में क्वारी नदी में उफान है। तेज बहाव के साथ रपटे पर पानी बह रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग रपटा पार कर रहे हैं। इधर गरियाबंद में भी स्कूली छात्र जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। अमली पदर के नदी की ये तस्वीरें हैं। तेज बारिश से नदी उफान पर है, नदी पर पुल भी नहीं है। ऐसे में स्कूल के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। लगातार बारिश के बाद गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नदी नाले उफान पर है। हालांकि बारिश के बाद किसान खुश है, लेकिन कई गाँव टापू बन गए हैं। लोगों को बाजारों तक पहुंचने के लिए उफनते नदी नालों को पार करना पड़ रहा है। इधर बलौदा बाजार में पलारी विकास खंड के छेरकाडीह गांव में बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो चुका है। स्कूल के रास्ते में एक नाला पड़ता है जो बारिश के दिनों में भर जाता है। बच्चों को उनके अभिभावक कंधों पर बैठा कर स्कूल ले जाते हैं। बता दें कि यहाँ कोई पुलिया नहीं है। बारिश के दिनों में 3 से 4 फीट तक यहां पर पानी भर जाता है। ग्रामीण कई बार जन प्रतिनिधियों से पुलिया बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिया नहीं बनाया गया है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर ओर बारिश का प्रहार है। नदी नालों में उफान है। गांव से लेकर शहर तक हर तरफ सैलाब है। पुल पुलिया डूब गए हैं, कई इलाके टापू बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आप कांग्रेस के मेगा प्लान की। पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने प्लान तैयार किया है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से 100 रुपए पार्टी फंड में जमा करने की अपील कर रही है। एमपी में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है और लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी फंड खर्च हुआ है। ऐसे में अगले चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटा रही है। कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक अध्यक्षों को अपने क्षेत्र में कार्यक्रम कर आम जनता को जोड़ने के लिए भी कहा है। कार्यक्रमों में अपील भी की जा रही है, कार्यकर्ता पार्टी फंड में 100-100 रुपए जमा कराए। और इसी में एक परिवार को अगर जोड़ने की बात जो कही है कि 100 रुपए जो सक्रिय सदस्यता पहले से कांग्रेस पार्टी का नियम है, उस प्रक्रिया को घर घर तक परिवार को जोड़ने का काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित करा। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के लिए किए थे, वो क्या क्या नहीं किए और क्या कमियां हैं, इस बात को हर घर तक पहुंचाने के आधार पर जीतू पटवारी जी ने निर्देशित किया। आगे बढ़िए। एमपी में प्रशासन का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। भिंड में भी अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। रेलवे की जमीन पर मंडी के व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है। नगर पालिका ने ठेले वालों के लिए हॉकर जोन बनाया था, लेकिन हॉकर जोन पर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने यह अतिक्रमण हटाया। अस्थाई टीन शेड को जेसीबी से गिरा दिया गया। बता दें कि नगर पालिका ने कई साल पहले लाखों रुपए खर्च कर यहां हॉकर जोन बनाए, लेकिन ठेले वाले यहां शिफ्ट नहीं हुए, व्यापारियों ने यहां कब्जा कर लिया था, लेकिन अब प्रशासन ने यह अतिक्रमण यहां से हटा दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें देख रहे हैं, अतिक्रमण को हटाया गया है। दरअसल लंबे समय से दो तस्वीरें, एक भिंड और दूसरी तस्वीर रायपुर की है। अतिक्रमण
और प्रशासन का बुलडोजर चला है और लंबे समय से यहां पर अवैध कब्जा कर रखा गया था और निर्माण भी कर लिया गया था। अस्थायी निर्माण अवैध कब्जा धारकों के जरिए कर लिया गया था, कई जगह जो हॉकर्स हैं उन्होंने कब्जा कर रखा था, लेकिन अब कार्रवाई कर इन सभी जगहों को हटाया गया है। आम जनता को दरअसल इससे सीधे तौर पर परेशानी हो रही थी, अब जाकर प्रशासन ने एक्शन लिया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर भिंड और दूसरी रायपुर की। खबरें लगातार जा रही हैं, यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।